देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने साइन क्यूब अल्फा और कॉस क्यूब अल्फा के आपको डायरेक्ट फार्मूले बताए थे, जिनमें से साइन क्यूब अल्फा है 3/4 साइन अल्फा माइनस 1/4 साइन 3 अल्फा, और कॉस क्यूब अल्फा है 3/4 कॉस अल्फा प्लस 1/4 कॉस 3 अल्फा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में तो काम आते ही हैं, उनकी एप्लीकेशन मैंने दिखाई थी, ये इंटीग्रेशन में भी बहुत काम आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब साइन क्यूब अल्फा का इंटीग्रेशन करना है, अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स नहीं होगा, ये डी अल्फा ही होगा। ठीक है, तो हम फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट साइन क्यूब अल्फा का, क्या होता है 3/4 साइन अल्फा माइनस 1/4 साइन 3 अल्फा, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन हमें अच्छी तरह पता है कॉस अल्फा होता है, 3/4 वैसे ही कॉन्स्टेंट रहा तो माइनस 3/4 कॉस अल्फा, साइन 3 अल्फा का कॉस 3 अल्फा अपॉन 3। याद रखिए इंटीग्रेशन में जब भी एंगल मल्टीप्लाई हो रहा होता है नीचे आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। कॉस क्यूब अल्फा का आप लोग खुद निकालें, डी एक्स देखें, फिर अब मैंने भी यहाँ गलती कर दी, डी अल्फा होगा, अगर यहाँ एक्स होता तो डी एक्स होता। ठीक है, लगा देंगे हम यही वाला फार्मूला। जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना स्टूडेंट, तो उनसे मैं खास तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी ट्रिग्नोमेट्री की सारी वीडियो ज़रूर देखें, खासकर ये फार्मूलों के, क्योंकि अक्सर इंटीग्रेशन के जो सवाल हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों के बेस पर है। व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं आपको बहुत ही जदीद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए वीडियोस बनवा के दूंगा। मुझे भी अभी एहसास है कि थोड़ा सा शायद वो क्वालिटी इतनी हाई नहीं है वीडियो की, हालांकि कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत काम का है आपके, तो अनकरीब हम लोग स्टूडियो और कैमरा लेकर के आपको इससे ज़्यादा बेहतर वीडियोज़ भी इंशाल्लाह देंगे। थैंक्स।